बट यार इतना महंगा, इतना महंगा अपग्रेड किया है GoPro में। 1, 2 and 3 तो वो रहे हमारे बबलू भैया खड़ा है। आज सुबह को उसे कर दिया है कोल्ड स्टार्ट और अभी बाहर खड़ा कर दिया क्योंकि हमें जाना है ऑफिस में। पर उसके पहले हम करेंगे हमारे एक छोटे से चीज़ का अनबॉक्सिंग। और अब बज रहे हैं 8:13। एंड हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई हमने फाइनली ले लिया है हमारे लिए एक एडिशनल कैमरा जो हमारे सोलो राइड में हमें काम आएगा। तो वो क्या, कौन सा कैमरा है वो आपको अभी दिखा देता हूँ। वो है GoPro Hero 10। इसे निकालेंगे, इसके जगह इसे फिट करेंगे, सेट करेंगे पूरा और इसे करते हैं अनबॉक्स फटाफट। थोड़ा इसे ले लेते हैं नीचे, तो अभी करते हैं इसे अनबॉक्स। चलो यहाँ से ही खोल देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कहाँ से भी खोलो। एंड डन, मानना पड़ेगा यार। ओहो क्या फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी कितना हड़के से, इतना हड़के दबाने से भी नहीं दब रहा है। हो गया भाई, अब इसे करते हैं अनबॉक्स, देखते क्या क्या है इसके अंदर। एक एक हाथ से खोलने का दिक्कत है यार। 1, 2 and 3 इसमें क्या क्या मिलता है ज़रा देखें। ये मिलता है सी टाइप चार्जर, USB सी टाइप चार्जर। इसे रखते हैं साइड में, ज़मीन पे नहीं रखेंगे यार, ऊपर ही रख देंगे। ये कुछ माउंट्स है, कर्व माउंट है। और ये आता है एक स्क्रू। एंड लास्ट एंड फाइनली के पहले ये हो गया हमारा बैटरी, तो इसे भी निकाल लेते हैं बाहर। निकाल लिया बाहर, ये डाल देते हैं यहाँ पर। और फिर आते हैं यार अपने कैमरा के ऊपर। तो ये यार ये पेपर ऐसा क्यों हो गया है, ये तो पहले ही निकल चुका है। चलो ठीक है, इसे रखते साइड में यहाँ पर ही और इसे निकालते हैं बाहर। ये निकल गया है बाहर, इसे केस को बराबर कर देते हैं। ओके केसेस ओके, अब इसे निकालना पड़ेगा इस पेपर में से। तो डायरेक्ट पेपर को पील ऑफ कर देंगे क्या, नहीं चुका है बाहर। तो अभी इसमें जो मेमोरी कार्ड डालना है वो है मेरे इस फोन के अंदर, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फोन के अंदर। तो इसमें डालते हैं मेमोरी कार्ड, इसे हटाते हैं यहाँ पर, करते हैं इसे इंस्टॉल और फिर चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे, देखते हैं कैसा व्यू आता है, क्या आता है, क्या एंगल आता है। और इसके लिए मैंने जो जुगाड़ बनाया ना वो भी आपको राइड पर चलते हुए दिखा। तो फाइनली हमारा GoPro हो चुका है सेटअप, सिर्फ वैसे ही रखा है हमने। अभी तक हमारे पास मीडिया मोड नहीं है, तो हमने वेलक्रो से हमारे जो माइक अडेप्टर है उसको राइट साइड में रखा था। प्रीवियसली ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर था, क्योंकि हीरो 5 का सॉकेट इस बाजू आता है और इसका ये बाजू है राइट साइड में, ठीक है। तो ये लगा दिया है सेटअप, फिर चलते हैं बाहर एक राइड पे, छोटे राइड पे, और फिर आते हैं घर पर आपको दिखाते हैं। चलिए तो गाइस हमने कर लिया है हमारे GoPro को सेटअप और व्यू कुछ ऐसा दिखता है। पर उसी के साथ में हमने बनाया ये एक जुगाड़ हमारे लिए, तो जो हमारा एक सेकेंड कैमरा पोजीशन का काम करेगा। अभी फिलहाल में तो उसे चालू नहीं किया है मैंने, तो ये हो चुका है चालू। अभी आप जो देख रहे हो वो मेरे सेकेंड पोजीशन से देख रहे हो। तो भाई ये जो मैंने अभी कैमरा सेटअप लगाया है और ये जो जुगाड़ बनाया है ना, एक्चुअली मैं लेने गया ट्राई सोच रहा था क्या एक जॉक लैम्प माउंट ले लूँ जो GoPro का ही आता है, बट यार इतना महंगा, इतना महंगा के यार मैं तो ऐसा लगा कि भाई इसमें तो अपना घर भर सब चले जाएगा। भाई अपग्रेड किया है GoPro में, तो हीरो 5 से हीरो 10 पे आए हमने, जुगाड़ में बना लिया ये चीज़। अब इसको मैंने मेरे साइड मिरर के नीचे नट बोल्ट के नीचे माउंट करके बना के 1/4 का नट ऊपर बोल्ट करके फिर उसके बाद में ये सब जुगाड़ अलग से किया है, तो वहाँ पर ही परमानेंट माउंट रहेगा और हम चलते रहेंगे। और मुझे गाइस ये भी बताना कि मेरा वॉइस क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी कभी ये पॉपिंग करता है टुप टप टुप टुप। ये व्लॉगिंग वाला जो किट होता है उलान जी का, वो वाला नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे हेलमेट पे वेट नहीं बढ़ाना था, इसके लिए मैंने वो यूज़ नहीं किया। मैंने डायरेक्ट उसको एक वेलक्रो से मेरे साइड में लगा के रखा है,
तो शायद उसके वजह से भी ये पॉपिंग साउंड आपको आता होगा, पक पुक पट टट टुप टप करके जो थोड़ा बहुत आ रहा होगा या फिर अभी भी आ रहा होगा, मुझे पता नहीं है। तो जस्ट उसको इग्नोर कर देना भाई, क्योंकि हम तो अभी इसके बाद में ये जो माइक अडेप्टर है इसे हटा देंगे और डायरेक्ट कर देंगे इसे एक मीडियम आउट से सेटअप, जो एकदम नीट एंड टाइडी हो जाएगा, क्लीन, मतलब कुछ भी ऐसा हेलमेट पे लगा हुआ चिपका हुआ ऐसा कुछ नहीं रहेगा, एकदम नीट एंड टाइडी हो जाएगा। तो जब तक के लिए इसे थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा भाई अपने भाई के लिए। तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे घर पे। तो ऐसा कुछ है हमारा सेटअप, यहाँ पर है जो माइक अडेप्टर है जो मैंने पहले बताया था वेलक्रो से लगा के रखा है, ये कुछ हमारा कैमरा का एंगल है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा सेटअप अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए और ढेर सारी वीडियो ला चुकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।